Hopefully, it is our first Zoom meeting, and today we are here with the detailed summary of our first lesson of Flamingo book. Name of the lesson is The Last Lesson. In this lesson, you will read about the war time between Germany and France. And this lesson tells us about the importance of our mother tongue. In this lesson, you will find that there is a character named French. He lives in primary class and he was given lesson on participle, but he did not know a single word of it. That is why he wanted to make a bunk from the school. Moreover, it was a tempting sight, means it was warm day, birds were chirping, and Persian soldiers were drilling. अभी तक जो मैंने बताया, ये हमारा पहला लेसन है. इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि हमारी मातृभाषा उसकी कितनी महत्व होती है. ये घटना उस समय की है जब पर्सिया, जो कि जर्मनी की साइड था, और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था. इसमें जो फ्रांस है वो युद्ध लूज कर रहा था, और इस इतनी बड़ी घटना का एक छोटे से स्कूल पर क्या असर पड़ा, ये लेसन उसके बारे में बता रहा है. इस लेसन में आप एक करेक्टर फ्रेंच वो आपको मिलेगा, जो प्राइमरी क्लास में पढ़ता है, और टीचर एम हैमल, उसने पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए इस बच्चे को दे रखे हैं. लेकिन ये जो बच्चा है, he did not know a single word of it. That is why he wanted to make a bunk from the school. वो कुछ भी नहीं जानता, इस कारण क्या है, वो स्कूल से बंक करना चाहता है. समझ में आ रही है बच्चों? बच्चों समझ में आ रही है भाई आपको? Yes sir. हाँ. And I have already told it in the classroom who were present. Okay. तो बच्चा क्लास बाहर टाइम व्यतीत करना चाहता है, और बाहर का मौसम बढ़िया है, पक्षी चहचहा रहे हैं, वार्म डे है, और पर्सन सोल्जर्स वो ड्रिलिंग कर रहे हैं. मीन ही मे पास हिज टाइम इजली, बट एनी हाउ ही स्टार्टेड टू गो टू स्कूल. ही थॉट नो आई वुड गो देयर इफ टीचर वुड स्कोल्ड मी आई वुड टेक इट. उसने फैसला यही किया कि ना, स्कूल में तो मैं जाऊंगा, चलो टीचर अगर डांटेंगे तो डांट लेंगे. एंड इन बिटवीन द वे देयर वाज ए बुलेटिन बोर्ड. एट दैट टाइम ऑल द न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड. इट वाज नॉट लाइक एट दैट टाइम न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स. उस समय न्यूज चैनल और उस समय जो भी खबरें आती थी इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आती थी, और ये फ्रेंच के स्कूल के रास्ते में पढ़ता था. There was crowd today. He did not know the reason. आज पहले से भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी, पता नहीं क्यों है. उसने जानने की कोशिश नहीं की, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले ही लेट था. आज समझ में आ रहा है आपको? It is plenty of time to reach the school.
उसने बल्कि उसको कहा, अरे भाई इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम बचा है। उसने सोचा ये जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक ही उड़ा रहा है, ये थोड़ा स्कोर कम करेंगे। समझ आ रहा है भाई आपको? यस सर। When he reached near the school, usually चिट्टे पड़े हैं, चिट्टे there were noises of noises of benches, noises of ruler etc. आम तौर पर जब वो स्कूल में एंट्री करता था तो बहुत सारी आवाजें बाहर से ही सुनने को शुरू हो जाती थी, जैसे यूनिसोन होता है, एक ही स्वर में कोई पहाड़ी गाना, कोई गीत गाना, कोई प्रेयर गाना, तो सुन शुरू हो जाती थी, या बच्चे डेस्क को जो इधर उधर करते हैं वो आवाजें शुरू हो जाती थी, या टीचर जो रूलर थपथपाता है उसकी आवाजें शुरू हो जाती थी। बट टूडे इट वॉज एज काम एज संडे, देर वॉज ऑल साइलेंट। लेकिन आज ऐसा नहीं था, आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। जैसे कि संडे को स्कूल में शांति होती है, ऐसी ही शांति आज नजर आ रही थी। उसको रीजन समझ में नहीं आया कि क्या कारण है, उसको कुछ पता नहीं है। एंड व्हेन ही एंटर्ड इन द क्लासरूम, व्हेन ही एंटर्ड इन द क्लासरूम, that the classroom villagers were sitting. Villagers were sitting at the back benches. तो जो गांव के बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी प्राइमरी क्लास में बैठे हैं। Even teacher M. Hemal was wearing new dress. Usually he wore this new dress only on two occasions. One is on inspection day and second is on prize day. But today it is neither inspection day nor any prize day. आज तो कुछ भी नहीं है, ना तो आज कोई प्राइज डे है, ना तो आज कोई इंस्पेक्शन डे है, फिर ये टीचर नई ड्रेसे क्यों पहने हुए हैं, और गांव के बुजुर्ग बड़े बूढ़े क्यों? आप सुन रहे हैं बच्चों? समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। जवाब दो। यस सर आ रही है। तो जो टीचर है नई ड्रेस क्यों डाले हुए हैं? ना ही तो आज कोई प्राइज डे है, ना ही तो आज कोई इंस्पेक्शन डे है। देन टीचर एम. हेमल अनाउंस्ड that it is last French lesson. From tomorrow, there would be only German. And it was written on bulletin board. फिर टीचर ने खुलासा कर ही दिया। टीचर ने कहा बच्चों हम युद्ध हार गए हैं, और एल्सेस और लोरेन, एल्सेस और लोरेन दो क्षेत्र है फ्रांस के, जैसे अपने पंजाब और हरियाणा होता है, ऐसे दो क्षेत्र है, वो युद्ध में जर्मन की साइड चले गए हैं, और कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। समझ आ रहा आपको? हाँ जी सर। तो कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यस सर। वर्ड्स वर जस्ट लाइक थंडर क्लैप, ये जो शब्द है ये उसके लिए एक तरीके से जैसे कोई बिजली गिर जाती है उसके। नाउ फ्रेंच केम टू नो एवरीथिंग क्लियरली, अब फ्रेंच को सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई ये आज कितनी शांति क्यों चल रही थी, क्योंकि हम युद्ध हार गए हैं। उसके बाद फ्रेंच ने फ्रेंच को क्वेश्चन पूछे गए एम. हेमल के द्वारा, और आज उसने कोई जवाब उनका आज भी नहीं दे पाया, जैसे पहले नहीं दे पाता था। तो एम. हेमल ने इसके लिए कोई ब्लेम बच्चों को नहीं दिया, उसने पहला ब्लेम पेरेंट्स को दिया, उसने दूसरा ब्लेम खुद को दिया, और तीसरा ब्लेम उसने बच्चों को दिया। फिर उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू किया, इट इज द मोस्ट लॉजिकल, इजीएस्ट,
and clearest language of the world. In between, there was the trumpet sound of Germany. Means German soldiers were there in the street of Alsace-Lorraine, and it was 12 o'clock in 12 o'clock in church clock. और जो घड़ी है चर्च की उसमें 12 बज चुके थे. मीन अब 12 बजे से ये जो क्षेत्र है वो जर्मन के हाथ आ जाएगा. टीचर टीचर कुडी ओनली मेड अ जेस्चर एंड पुट द वेव बाय हिज हैंड्स गो. मीन इट इज नाउ ऑफ. उसने टीचर ने बोल नहीं पाया, इमोशनल हो गया वो, और उसने अपने हाथ से केवल इशारा किया कि अब छुट्टी हो गई है. अब किस समझ में आ गया आपको? नाउ आई मे आस्क क्वेश्चंस. क्या मैं अभी जो yes, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ओके, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड? That he'll be scolded today in school. Yes, friend was expected lesson on. He was late today. Lesson on participle. Yes, sir. Okay. What was the tempting scene? Lalcha dene wala scene kya tha? It was so warm, so bright day, and soldiers were drilling. Yes, it was a warm day. Parts were shivering. Soldiers were drilling. Means he may pass his time easily. Yes. What did the blacksmith say to friends? Blacksmith ne luhar ne kya kya kaha tha? Yes. Don't go so fast. There is plenty of time. What was the usual scene? आमतौर पर क्या होता था स्कूल में? The opening and closing of the desk. Yes. Teacher ruler sound. Rapping the ruler. Yes. Teacher's rapping sound. Number one, number two, and opening and closing of the desk. Number three, the noise of unison. समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. What did M. Hamel say about French language? French language it is easy and a simple language to understand. Yes, it is very easiest, clearest, logical language. It is very easy to understand. बिल्कुल ठीक है. On which occasion did M. Hamel wear new dress? On prize distribution and inspection days. Yes, on prize distribution days and on inspection days. What happened when it struck 12 in the church clock? क्या हुआ जब चर्च क्लॉक में 12 बज गए? Now German army. It was, or you can say French was under the rule of Germany. Now, Germany. Teacher could not speak. He made only a gesture and wrote, "Live long France, why la France." ये आप सबको समझ में आ गया भाई? Yes sir. Yes sir. किसी का मुझसे पूछो भाई. इस lesson से regarding. Have you any question regarding this lesson? No, sir. Okay. Everything is clear? Yes, yes sir. Now, yes, sir. I would even send the exercise question in your group. And with this video that is here today. मैं ये भी भेज दूंगा आज जो हमने डिस्कस किया है, और उसके साथ इसके जो टेक्स्टुअल क्वेश्चन है वो भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा. बाकी जब भी जैसा भी होगा मैं बताता रहूंगा. ठीक है बच्चों? ओके सर. बाय बाय.